हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे उतनी अच्छी मिट्टी नहीं मिलती है। जैसे गांव में रहता है तो अच्छी मिट्टी, खेतों की मिट्टी, फर्टाइल अच्छी सी मिट्टी मिल जाती है। तो हम लोग अपने घर के जो शहर में जो घर के गार्डन सजाते हैं, तो उसमें अच्छी सी मिट्टी बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कैसी मिट्टी पे हम प्लांट अपने लगाएं, जो कॉमन मिट्टी इजीली बने, जिसमें प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करें। क्योंकि अगर हम अपने घर में मान लीजिए लगाते भी हैं प्लांट और अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है प्रॉपर, तो भी वो अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि आप अपने गार्डन में जो भी प्लांट लगाएं उसके लिए मिट्टी आप कैसे बनाते हैं, तो उसको कैसे बनाते हैं और आप उसमें अपने प्लांट कैसे लगा रहे हैं। तो आज हम लोग जानते हैं उसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं। तो सब देखिए, मिट्टी बनाते समय सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि आप दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी मिट्टी जो मिट्टी आप बना रहे हो वो बहुत अच्छे से पोरस होनी चाहिए, ताकि आप अगर अपने प्लांटर में पानी डाल रहे हो तो ईजिली वो ड्रेन आउट होके निकल जाए, ठीक है। अदरवाइज स्टोर होगा तो आपके प्लांट खराब हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि हाँ, मॉइस्चर होल्ड भी होने चाहिए। मतलब ऐसा भी ना हो कि आप इतनी वेल ड्रेन मिट्टी को बना दें कि उसमें पानी होल्ड ना करे, क्योंकि समर के मौसम में क्या होता है कि बहुत स्कॉचिंग हीट होती है, तो आपके प्लांट के लिए मॉइस्चर भी रिक्वायरमेंट रखता है, आप वो भी ज़रूरी है उसके लिए। तो आप इन दो चीज़ों का ध्यान रखें, पहली कि वो वेल ड्रेन्ड हो और दूसरी वो मॉइस्चर को होल्ड करे। तो उसके लिए हम लोग आज मिट्टी बनाते हैं, देखते हैं कि कैसी मिट्टी आपको, और ये मिट्टी आप यूनिवर्सल है, आप हर प्लांट में इस तरीके की मिट्टी बनाकर लगा सकते हैं। वैसे तो देखिए, जितने भी प्लांट होते हैं सबके सारे प्लांट्स की न्यूट्रिशन और उनकी जो न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट होती है, और सारे प्लांट की मिट्टी अलग अलग रहती है, अलग अलग ही बनती है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट एक कॉमन मिट्टी ये ऐसे बन जाती है, ऐसी रहती है कि ये आप सभी प्लांटर में डालेंगे भी, सारे प्लांटर में लगाएंगे, उसमें प्लांट लगाएंगे सारे प्लांटर्स में डाल के, तो भी अच्छे से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मिट्टी को कैसे बनाना है। तो देखिए, ये मेरे पास ये गार्डन सॉइल है, और ये कोकोपीट है, और ये सैंड है। ये कंस्ट्रक्शन साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो मैंने वहाँ से सैंड ली है। और ये वर्मी कंपोस्ट है, एंड ये काउडंग कंपोस्ट है। तो ये अच्छे से न्यूट्रिशन, ये प्लांट के लिए न्यूट्रिशन का काम करेंगे। तो देखिए, जब भी हम लोग मिट्टी बनाते हैं तो आप सबसे ज़्यादा हिस्सा आप अपने गार्डन सॉइल का रखिए, यानी कि कब 30-40% आप अपना गार्डन सॉइल रखिए। जैसे ये देखिए, मैं इतनी अगर गार्डन सॉइल ले रही हूँ, तो इसमें करीब करीब 40% आप गार्डन सॉइल लीजिए। और इसमें आप ये जो वर्मी कंपोस्ट हो गया और काउडंग कंपोस्ट का पोर्शन मिलाइए, ये आप मिला लीजिए 15-15%। मतलब अप्रॉक्स, ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं आप किसी चीज़ से मेजर करने बैठे, बट एक अनुमान होता है ना, आप उस अनुमान से करिए कि 15-15% का आप ये वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट का मिला लीजिए। तो ये देखिए, मैंने दो मुट्ठी भर के कंप्लीट मिला लिए हैं, और आप ये करीब 10-5% आप इसमें सैंड मिला दीजिए, 10% आप इसमें मिला दीजिए सैंड, और 10% आप इसमें 10-15% आप इसमें कोकोपीट मिलाइए। कोकोपीट मिलाने से क्या होता है, ये जैसा कि अभी शुरुआत के स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने बात की कि मॉइस्चर होल्ड करे मिट्टी और प्रॉपर ड्रेनेज हो, तो जब आप सैंड मिलाते हैं तो सैंड से क्या होगा कि प्रॉपर अच्छी सी वेल ड्रेन्ड सॉइल बनेगी। और अगर आप जब इसको कोकोपीट को मिला देते हैं तो ये मॉइस्चर होल्ड करने का भी काम करती है, तो ये मॉइस्चर को होल्ड करेगी। तो ये दोनों काम के लिए सैंड और हम कोकोपीट को मिलाते हैं। तो ये देखिए, 40% में आपका नॉर्मल गार्डन सॉइल हो गई, और 60% में आपका 30% में ये वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट हो गया, और 30% में आपका ये जो सैंड हो गई और कोकोपीट हो गया। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिक्स करके इसकी मिट्टी तैयार कर लीजिए। और इस तरीके की मिट्टी आप अपने सारे गार्डन में जितने भी प्लांट लगा रहे हैं उन सबके प्लांटर में आप इसी तरीके की मिट्टी यूज़ करिए। और क्योंकि देखिए,
प्लांट्स को क्या होता है ना, लिविंग होते हैं तो उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जैसे हमें होती है। तो सारे प्लांट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, बट हम एक कॉमन, ये जो मिट्टी बनाई है ये कॉमन है, ये आप सारे प्लांट को दीजिए और जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है वो टाइम टाइम पर उनको फर्टिलाइज़र ऐड कर करके हमसे पूरी करते रहते हैं। ये देखिए, तो इससे थोड़ी आपकी जो ये मिट्टी आपने बनाई है थोड़ी लाइट वेट भी बनेगी और आप प्लांटर में इजीली लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं बास्केट में लगा के। तो गाइस, मैंने ये आज आपको बताया कि मिट्टी आप कैसे अपने गार्डन में प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करें। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। और ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।